हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मरीन फिश लाइफ में। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ फिश से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फ़िल्टर के ऊपर। तो मैं सारे फ़िल्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहला हो गया आपका इंटरनल फ़िल्टर और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल फ़िल्टर। तो इंटरनल फ़िल्टर में तीन तरह के फ़िल्टर आते हैं। तो पहला हो गया आपका पावर हेड फिल्टर, दूसरा हो गया आपका स्पंज फिल्टर और तीसरा हो गया आपका अंडरग्रेवल फिल्टर। तो ये जो तीनों है वो आपका इंटरनल फिल्टर में आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर हेड फिल्टर का। तो वो क्या करता है, आप जब भी अपने एक्वेरियम में पावर हेड फिल्टर लगाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब वो जो पानी जो खींचता है, सक करता है और फ्रेश वाटर निकालता है, जो फिशेस के जो सारे डस्ट होती है वो उसके जो स्पंज होता है नीचे ढक्कन बना रहता है, तो उसमें जाके जो फिश वेस्ट फंस जाता है, ठीक है, और जो है फ्रेश वाटर जो है वापस अपने एक्वेरियम में निकाल मतलब जो है आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एडवांटेज हो गया कि साफ़ रखता है पानी को, धुंधलापन भी जो है मतलब कम करता है पानी का। और इसका डिसएडवांटेज मैं आपको सभी को बता दूं कि डिसएडवांटेज है कि अगर मतलब जैसे ही मतलब वो डस्ट खींचा तो डस्ट क्या होता है वो एक्वेरियम में ही रह जाता है, मतलब उसके स्पंज में ही फंसा रह जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा मतलब डस्ट फंसा स्पंज के तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपका जो है फ़िल्टर काम करना बंद कर देता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका स्पंज फिल्टर, ठीक है। स्पंज फिल्टर में होता क्या है, वो तो सबसे पहले वो एयर पंप से चलता है, ठीक है, और आपको इसमें फ़ायदा है कि ऑक्सीजन भी मिलता है आपका एक फिशिस को, ऑक्सीजन भी छोड़ता है और साफ साफ पानी भी साफ़ करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका वाटर धुंधला रहता है, ठीक है, तो वो भी साफ़ करता है, धुंधलापन को हटाने में भी जो है बहुत काम करता है आपका स्पंज फिल्टर। मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि अगर अगर आप सभी एक्वेरियम रखें तो एक बार ज़रूर स्पंज फिल्टर लगा के देखिए, ठीक है। इसका मतलब साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग प्राइस होता है, 250, 350, 500, मतलब हर साइज़ पे हिसाब से जो है अलग अलग इसका प्राइस होता है। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्वेरियम रखे हैं तो आप जैसे आप 2 फीट का रखे हैं तो हल्का बड़ा लगाइए, 3 फीट उससे हल्का बड़ा लगाइए, पर स्पंज फिल्टर जो है एक बार आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। तो स्पंज फिल्टर के बारे में तो आप सभी को मैं बता दिया कि स्पंज फिल्टर आप ज़रूर अपने एक्वेरियम में लगाएं, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वो है अंडर ग्रेवल फिल्टर, ठीक है दोस्तों। अंडर ग्रेवल फिल्टर के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि अंडर ग्रेवल फिल्टर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेवल रखें अपने एक्वेरियम में तो इस अंडर ग्रेवल फिल्टर को जो है आप ज़रूर यूज करें, ठीक है। अंडर ग्रेवल फिल्टर का यूज़ करने से होता क्या है कि आपका जो फिश का जो डस्ट होता है वो पावर हेड फिल्टर ज़्यादा नहीं खींच पाता है ना कोई, तो ये क्या करता है अगर फिश का वेस्ट जो है नीचे जाता है तो वो क्या होता है कि अंडर ग्रेवल फिल्टर का जो पैड होता है उसके अंदर जाके फंस जाता है, ठीक है, नीचे जाके फंस जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता है डस्ट, ठीक है, एक लेयर बन जाता है डस्ट का नीचे। तो इससे क्या होता है, 70% वाटर जो है आपका साफ़ रखता है, ठीक है, 70% वाटर जो है आपके एक्वेरियम का ये साफ़ रखता है। इसमें दो प्लेट्स होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें दो टो प्लेट्स दिया रहती है और जो होता है लंबा सा आप देख सकते हैं पाइप है, ठीक है, लंबा सा तो पाइप निकला हुआ है। तो क्या जैसे ये 2 फीट के लिए ही ठीक रहता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा इसका जो पैड जो है नहीं मिलता है, तो आपको ऐड करना पड़ता है, ऐसे 2 पैड देते हैं हर सेट में। तो इसमें क्या होता है, आपको एयर पंप से कनेक्ट करना पड़ेगा इस अंडरग्राउंड फिल्टर को, एयर पंप से कनेक्ट करिएगा तो वो जो है आपका काम करेगा अंडरग्राउंड फिल्टर। और दूसरा बात करें तो आप अब जो दोस्तों बात करते हैं वो है एक्सटर्नल फिल्टर का, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल फिल्टर में तीन प्रकार के इसमें फ़िल्टर हैं। पहला हो गया आपका ओवरहेड फिल्टर, दूसरा हो गया आपका बैक फिल्टर, तीसरा हो गया आपका जो है सिनिस्टर, सिनिस्टर टाइप का आता है फिल्टर, वो हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका ओवरहेड फिल्टर का। तो ओवरहेड का फिल्टर क्या होता है कि गंदगी निकालता है, जैसे एक हेड होता है वो अंदर लगेगा आपका, उससे क्या होता है कि वो जो पानी सक करता है वो पानी सक करके ऊपर ले जाता है, ऊपर क्या करता है उसमें कॉटन लगा रहता है एक लेयर में, तो वो क्या करता है पानी जो है गिरता है कॉटन पे और सारा गंदगी जो डस्ट होता है वो छन के जो है वापस जो है आपके एक्वेरियम में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका ओवरहेड फिल्टर। तो ये भी मतलब जो हो गया मान लीजिए कि बहुत मदद करता है आप एकदम क्रिस्टल वाटर मतलब करने में, ये आपको बहुत मदद करता है आपका ये ओवरहेड फिल्टर। तो ओवर मैं अगर मैं बताऊँ तो ओवरहेड फिल्टर जो है एकदम
मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप सभी को, ओवरहेड फिल्टर मतलब बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरहेड फिल्टर अपने एक्वेरियम में ज़रूर लगाएं, 3 से 4 फुट है तो ओवरहेड फिल्टर ज़रूर लगाएं और स्पंज फिल्टर ज़रूर लगाएं, तो ये दोनों मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है आपका हो गया बैक फिल्टर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हो गया आपका बैक फिल्टर हो गया है, तो बैक फिल्टर जो होता है उसमें क्या करता है, वो एक्वेरियम का पीछे लगता है, ठीक है दोस्तों। वो एक्वेरियम के बाहर मतलब जो है बैक साइड लगता है, ठीक है। और उसका जो पावर हेड जो होता है वो अंदर से पानी सक करता है, और ये देखिए जैसे आप फोटो में देख रहे हैं वो पानी निकाल देता है। उसके अंदर भी एक लेयर बना रहता है, इसमें बहुत सारे एक लेयर होते हैं, तो वो लेयर से क्या होता है प्योरीफायर हो जाता है पानी, और सारा जो है गंदगी जो है बाहर का ही बाहर रह जाता है, मतलब सारा गंदगी जो है बाहर ही रह जाता है और साफ़ पानी जो है वापस एक्वेरियम में आ जाता है। तो इसका यही फ़ायदा है कि ये भी आप जो है आप मैं मतलब ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लगाए अपने एक्वेरियम में, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी रेट आता है आपका 800 के लगभग, और ओवरहेड फिल्टर का भी जो रेट है वो भी 800 या 1000 के बीच में आपका पड़ता है, ओवरहेड फिल्टर और ये बैक हैंगिंग फिल्टर भी से बोलते हैं। तो इसका वही 800 या 1000 तक जो है दोनों का प्राइस आता है, ठीक है दोस्तों। तो एक तरह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये भी अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं, इससे भी बहुत मतलब अधिकतर 60% जो वाटर है आपका ये क्लीन कर देता है, ठीक है। तो आप हमारे शॉप से मतलब ये बहुत सारे जो जो मैं फ़िल्टर दिखाया आप सभी को वो हमारे शॉप में जो है होलसेल प्राइस में अवेलेबल है, तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है आखिरी जो फ़िल्टर है वो है आपका सिनिस्टर, ठीक है। तो ये सिनिस्टर फिल्टर है, एक्वा वन आपने नाम सुना होगा, एक्वा वन का ये बेस्ट प्रोडक्ट है सिनिस्टर का। तो ये भी जो ये जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें एक लेयर बना रहता है, ठीक है दोस्तों। लेयर बना रहता है, लेयर बाय लेयर कॉटन रहता है, फिर बहुत सारा मतलब लेयर रहता है, तो उससे पानी छन के जो है वापस जो है आपके एक्वेरियम में आता है। ये भी वही काम करता है एक्सटर्नल का, एक्वेरियम के नीचे लगा रहता है। तो ये भी दोनों, इसका प्राइस थोड़ा हाई है, 12,000 रुपये इसका खर्च आता है। तो 12,000 रुपये आप इसमें खर्च कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा जो एकदम क्रिस्टल क्लीन वाटर आपका एक्वेरियम का रखता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज जो है मैं बहुत मतलब व्यस्त हूँ, मैं थोड़ा मैरिज में आया हुआ हूँ बाहर, तो इसी कारण मैं जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा 1-2 दिन। तो दोस्तों मैं फ़िल्टर के बारे में तो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो मैं जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया हूँ, तो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। अगर और जो है कोई भी फ़िश से प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, और कोई भी आपको होलसेल प्राइस का फ़िश चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उससे ज्वाइन होइए और मुझसे कांटेक्ट करिए आपको होलसेल फ़िश चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।